आज हम आपके लिए लेके आए हैं घी बनाने की रेसिपी। घर में ही इकट्ठा किए हुए मलाई से हम ज़्यादा से ज़्यादा घी निकाल कर दिखाएंगे और साथ में ही उसके खुरचन से ऐसी मिठाई बनाकर दिखाएंगे जो मार्केट में ढूंढने से भी ना मिले, पर मैं बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताऊँगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मलाई हमने 15-20 दिन से इकट्ठा करके रखा है। पर डे जितना भी मलाई निकला हम फ्रिज के अंदर रखते गए, इसी कटोरे में रखते गए, तो इसमें मलाई में बदबू भी नहीं आई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश मलाई है ये। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, कहीं से मलाई ख़राब नहीं हुई हमारी ये। तो आज मैं इसी मलाई से घी बनाना बताऊँगी आपको। आप भी अगर घी बनाना चाहें ना तो फ्रिज में रखते जाएँ तो आपका मलाई ख़राब नहीं होगा। तो मैं गैस में कढ़ाई चढ़ा दूँगी और सारे मलाई को मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। सारे मलाई को हम एक ही बार डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। इस प्रोसेस को हमें हाई फ्लेम पे ही करना है। गाइस 2 से 3 मिनटों में आप देखने लगेंगे कि मलाई से घी अलग होने लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मलाई को हम डालते ही मलाई मेल्ट होना शुरू हो गया है। हमारा मलाई लिक्विड फॉर्म में आ रहा है बिल्कुल। हम ये प्रोसेस नॉनस्टिक कढ़ाई में कर रहे हैं क्योंकि नॉनस्टिक कढ़ाई में नीचे से चिपकता नहीं है। अगर आपके पास नॉनस्टिक कढ़ाई नहीं है तो आपको रेगुलर चलाते रहना होगा, नहीं तो नीचे से चिपक कर जलना चालू हो जाएगा। चलाते तो हम इसमें भी रहेंगे, नहीं तो नीचे से जलने का खतरा है इसमें भी। बस इसमें चिपकता नहीं है, रेगुलर हमें चलाते रहना ही होगा। तो देखिए इस साइड से आप देख सकते हैं कि घी अलग होने लगा है। गाइस आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो देखिए 50% हमारा घी ऊपर आ चुका है, तो अब घी अलग और खुरचन अलग हो रहा है। एक बात तो है, घर के घी की तो बात ही अलग है, ना कोई मिलावट ना कुछ, और बिल्कुल प्योर घी बन के तैयार होता है। तो देखिए बात करते करते हमारा घी भी तैयार हो चुका है, पूरी तरीके से घी निकल चुका है और खुरचन नीचे बैठ गया है। तब क्या करेंगे हम, थोड़ा ठंडा होने के बाद हम घी को किसी बर्तन में निकाल देंगे और खुरचन को अलग कर लेंगे। घी अभी हमारा गैस बहुत गर्म है, हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है घी को, बस थोड़ा सा ठंडा करना है। तो देखिए घी हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, अभी मैं छान लेती हूँ घी को। देखिए ये घर का प्योर घी बिल्कुल। घी तो हमारा बहुत सारा निकला है लेकिन मैंने बर्तन ही थोड़ा बड़ा ले लिया है तो हमारा घी देखने में कम लग रहा है उसमें। तो इसी तरीके से हम सारे घी को एक छन्नी की हेल्प से छान लेंगे ताकि घी अलग हो जाए और घी का खुरचन अलग हो जाए। इसी खुरचन से मैं आपको मिठाई बनाना बताऊंगी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और देखने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलिए अब चलते हैं मिठाई बनाने की तरफ। तो गैस को ऑन करेंगे, इसको हल्का सा भून के इसमें मैं सूजी डाल दूंगी आधी कटोरी। इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे ताकि सूजी का कच्चापन चला जाए और जो खुरचन में घी हमारा बचा हुआ है वो सूजी सारा अब्सॉर्ब कर ले। तो देखिए सूजी हमारा हल्का से भून चुका है और सभी घी को अब्सॉर्ब कर लिया है। तो यहीं पे मैं 1/2 किलो दूध ऐड कर दूंगी। ये फुल क्रीम का दूध है, आप चाहे तो आपके पास जो भी घर में अवेलेबल है दूध वो डाल सकते हो, पहले से बुला हुआ दूध भी डाल सकते हो आप। मैं कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रेगुलर चलाती रहूंगी जब तक हमारी सूजी थिक ना हो जाए, इसको हम चलाते रहेंगे। यहाँ पे आप जितना मीठा आपको खाना है उतना चीनी ऐड कर सकते हैं। इसको हमें तब तक चलाना है तब तक कि कढ़ाई को पूरी तरीके से छोड़ ना दे। देखिए हमारे मिठाई का कलर भी चेंज हो गया है, ये देखिए। तब सूजी और खुरचन ने पूरी तरीके से कढ़ाई को छोड़ दिया है। हम
थोड़ा सा 1 से 2 मिनट और चलाएंगे। ये कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, ये जितना देखने में ये बढ़िया लग रहा है उतना ही ये खाने में स्वादिष्ट लगेगा। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। घी बनाने में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा और मिठाई भी बहुत जल्दी बन गया। अब हम मिठाई को एक बर्तन में डाल देंगे। अगर आपके पास बर्फी वाली ट्रे हो तो आप उसमें भी डाल सकते हो, मैं थाली में डाल रही हूँ। अब इसको सभी में फैला लेंगे। मैंने थाली में नीचे घी नहीं लगाया है क्योंकि इसमें घी पहले से बहुत सारा है तो ये चिपकेगा नहीं, ये इजली निकल जाएगा। तो सभी को इक्वल एक साइज कर दूंगी मैं हर जगह से, ताकि कहीं से मोटा या पतला ना हो। अब इसमें थोड़े से मैं बादाम के कतरन डालूंगी फैलाते हुए, एक थोड़ा सा पिस्ता का कतरन डालूंगी, यहीं पे मैं थोड़े खरबूजे के बीज को भी डाल दूंगी। स्पैचुला की हेल्प से मैं सभी को दबा दूंगी। ये मिठाई तो खाने में बहुत मजा आने वाला है। तो सभी को दबा के हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे सेट होने के लिए। मैं ये 1 घंटे में निकाल दी हूँ कि मुझे आपको दिखाना है। तो सभी को हम बर्फी के साइज में काट लेंगे, आराम से काटिए इसे। साइज आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसा भी आपको देना है। देखिए मैं आपको एक पीस निकाल के भी दिखाती हूँ, कितना बढ़िया है ये देखने में, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसी मिठाई मिल रही है आपको बाहर मार्केट में? तो मैं प्लेट में सर्व करूँगी खाने के लिए। वही कहते हैं घर की बात अलग ही होती है। उतने मलाई से हमने घी भी निकाल लिया और मिठाई भी बना लिया। तो आप देख सकते हैं हमारे कितने सारे मिठाई बन के तैयार हो गए।